भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे इनोवेशन से जोड़ करके बहुत सारा नया प्रयोग किया गया है, जिसने देशवासियों को गर्व करने का भी मौका दिया है। ऐसा ही एक हम इनोवेशन देखेंगे हाइड्रोजन ट्रेन सेट के रूप में, जो अभी शुरू होनी है, लेकिन इसको डिज़ाइन RDSO ने किया है। इस पर बात करने के लिए और तमाम जो ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं इनो रेल में, हमारे साथ बात करने के लिए है RDSO के DG उदय बोरवनकर सर। सर, जो ये हाइड्रोजन रेल है, क्या इसकी खासियत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से इनोवेशन पर लगातार जोर दिया। ये भारतीय रेल एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और उसमें से एक हमारा ये इनिशिएटिव है हाइड्रोजन रेल। तो हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जो कि ग्रीन फ्यूल है, उसको देश विदेश में अब बहुत सारे लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपनाएं, और रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत में भी इसको सक्सेसफुली अभी अपनाया गया है, और रेल ट्रांसपोर्ट में अभी विश्व में कहीं सक्सेसफुली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अभिनव प्रयास है, और हम बहुत एडवांस स्टेज में हैं अब ये इस टेक्नोलॉजी को लाने में, और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि हम इसको सक्सेसफुली इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लेंगे, जिसको फिर हम ट्रायल्स वगैरह करके और प्रूफ करेंगे कि ये हमारा ये काम सक्सेसफुल। कब से इस पर काम चल रहा है, और जैसा आपने बताया कि विश्व में ये ज़्यादातर इतना सक्सेसफुल रेलवे ट्रांसपोर्ट में नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या एक तरह से आप लोगों ने? देखिए, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के, कि एक तो इसमें जो फ्यूल सेल्स हैं वो हमें कैरी करने पड़ते हैं, और जो हाइड्रोजन की चार्जिंग है वो जगह जगह पर इसमें करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक हमें पहले स्टोरेज का एक प्रोविज़न और एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि जगह जगह पे उसमें हाइड्रोजन टॉपअप की जा सके, और कैसे वो हाइड्रोजन जो है वो फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी बन के और चक्कों को घुमाएगी, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सस्टेन्ड बेसिस पे, मतलब हम हमेशा सुचारू रूप से चलता रहे वो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है बहुत अच्छे से इसको एस्टेब्लिश करने में, लेकिन ये शीघ्र हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। शुक्रिया सर। हम इस बीच दिखाना चाहेंगे कि ये जो ट्रेन सेट है ये पूरा इस तरह का डिज़ाइन है, RDSO ने इसको डिज़ाइन किया है, जिन से लेकर के सोनीपत तक ये रन होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं। इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि अभी तक रेलवे ट्रांसपोर्ट में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर आपसे बात करें आशीष जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो क्या इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जैसे सर ने बताया, तो इसमें क्या कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे, या किस तरह की चीज़? इसमें चूंकि रेलवे में सेफ्टी अहम होती है, और हाइड्रोजन की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है, और इस कंप्लीट का हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस के बाद में इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स लाइक हाइड्रोजन डिटेक्टर, फैंस, लीक डिटेक्टर्स और सब कुछ इसमें लगाया है, ताकि कोई भी सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ ना हो। और ये सोनीपत और जिंद के बीच में चलेगी ट्रेन, और एक ही बार फिलिंग के बाद में चार ट्रिप कंप्लीट करेगी इन स्टेशंस के बीच में। ये अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या और पार्ट्स हैं, क्योंकि आपने एक तो हाइड्रोजन फिलिंग के लिए होगा आपका, और दूसरे क्या ये पैसेंजर ट्रेन होगी क्या, किस तरह से? 8 पैसेंजर कोचेस रहेंगे पीछे, और 2 हाइड्रोजन पावर्ड कोचेस हैं, टोटल 10 कोचेस की ट्रेन है ये। इसको कब तक, अभी तो ट्रायल हो रहा है, तो कब तक इसको होने की उम्मीद है, आप क्या उम्मीद है? इसको ट्रायल होने में अभी अभी इसकी इक्विपिंग चल रही है, तो अभी कई इसका लोड बॉक्स होगा, फिर इसके रनिंग ट्रायल्स होंगे, तो अभी कोई डेट दे पाना तो मुश्किल है, बट अभी आप उत्सुकता बनाए रखें, बहुत जल्दी ही आपको मेरे ख्याल से अगले वर्ष के पहले हाफ में ही आपको ये ट्रेन चलती हुई मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अगले वर्ष के हाफ में चलती हुई मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कितना अभिनव ये होगा, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में तो है, लेकिन जैसा आपने बताया कि रेलवे ट्रांसपोर्ट में अभी तक नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि एक इनोवेशन एक आगे की ये पूरी एग्जीबिशन, इट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन ओनली। हमारा पूरा प्रयास है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तरह तरह के, जो इंडस्ट्री की तरफ से नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज़ और बहुत सारे अच्छे काम इसमें दर्शाए गए हैं। आप अगर घूमें तो बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जिन चीज़ों में हमें इक्विपमेंट रिलायबिलिटी बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित करनी है, जिसमें हमें कोई फेलियर होना अलाउड ही नहीं है,
हम चाहते हैं कि जीरो फेलियर रहे और या लाखों में एक फेलियर कभी हो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, उस तरह की टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे डिस्प्ले। सर यहाँ हम देख रहे हैं इनोवेशन से रिलेटेड अलग अलग स्टॉल्स हैं। फॉग की जब बात होती है, क्योंकि आम लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अभी भी, क्योंकि इतना उस पर काम हुआ है, रेलवे ने किया है, लेकिन अभी भी ट्रेन्स लेट हो रही हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल आम लोगों के मन में रहता है, क्या उसकी वजह है कि अभी तक उसमें और काम करने की जरूरत है? देखिए, फॉग में हमारे सामने दो चैलेंजेस होते हैं, एक तो सेफ्टी का और दूसरा पंक्चुअलिटी का। तो जो सेफ्टी का चैलेंज है, उसमें यदि साफ दिखता नहीं है सामने चालक को, तो उसमें दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले चरण में हमने उस बाधा को हमने पार कर लिया है। अब हमारे लोकोमोटिव्स में ऐसे डिवाइसेस हमने लगाए हैं जिसमें चालक को पहले से ही फोरवॉर्न कर दिया जाता है कि ये सिग्नल इतनी दूर पे है, जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए। तो वो पूरी तरह से सजग है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी दूरी पे ये सिग्नल है, तो वो किसी भी कंडीशन में अब सिग्नल को खतरे के स्थिति में पार नहीं करेगा। ये एक सेफ्टी की दृष्टि से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब नेक्स्ट जो चरण है वो है पंक्चुअलिटी, ताकि बहुत क्लियरली जैसे नॉर्मल विदाउट फॉग जिस स्पीड से वो जा सकता है उतने कॉन्फिडेंस से वो जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं सर आपको इसके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इधर जिस तरह से ये हाइड्रोजन रेल है, जैसे डीजी सर ने भी बताया, उसको लेकर के लोगों के मन में उत्सुकता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इधर से एक बार मैं इसकी डिज़ाइन दिखाती हूँ किस तरह की है, क्योंकि इसमें दो कंपार्टमेंट्स हाइड्रोजन के लिए है जिनको रिफ़िल किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें 8 पैसेंजर्स भी बैठ सकते हैं, यानी 8 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं। बहुत ही अत्याधुनिक ये है और RDSO का डिज़ाइन है। और जैसा अभी तक का है, या तो इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती है या तो डीजल चलती है, लेकिन अब हाइड्रोजन से भी ट्रेन जल्दी ही, हम कह सकते हैं नए साल के पहले अगर क्वार्टर में ही हम देखें, तो हो सकता है इसका सफल ट्रायल हो जाए। भारतीय रेल के खाते में एक और उपलब्धि होगी जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। RDSO ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है और लोगों के लिए भी ये एक अलग अनुभव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।